मेहनत का पैसा, इट इज़ नॉट ईजी. द मनी दैट वी अर्न आउट देयर, जो कि लोगों को लगता है लाखों में कमा रहे हैं, बहुत मेहनत का पैसा है वो, जो हम पसीना बहाते हैं. इट्स नॉट ईजी आउट देयर. और 16-16 घंटे काम करना, 18-18 घंटे काम करना आसान नहीं है. हाई एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी. एज अ मरीन इंजीनियर, एज अ मर्चेंट नेवी गाय, यू हैव एन ऑप्शन टू टेक योर वाइफ ऑन बोर्ड शिप. आप अपने बच्चों को जहाज पे लेके जा सकते हो, और बहुत लोग लेके जाते भी हैं. मैं ऐसे कुछ कैप्टन्स की वाइफ्स को जानता हूँ जिनका सी टाइम मेरे से ज़्यादा, जो मेरे से ज़्यादा शिप पे रही हैं. बट अपने माँ बाप को शिप पे ले जाना इज़ अ प्रिविलेज विच वेरी फ्यू पीपल हैव हैड इन मर्चेंट नेवी. उनमें से मैं किस्मत वाला रहा हूँ. आई वॉज अ सेकेंड ईयर सेलिंग ऑन अ बल्क कैरियर. शिप का नाम था एमटी बाल्टिक टाइगर, और वो शिप कृष्णापट्टनम मारा था. मेरे चीफ इंजीनियर यूक्रेनियन थे, नाम मैं अभी भूल चुका हूँ, बट बहुत बड़ी आदमी थे. शिप कृष्णापट्टनम आया, मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, बोला भाई मेरा जहाज कृष्णापट्टनम मारा है. पापा हमेशा बोलते हैं यार एक बार जहाज तो दिखा दे, एक बार जहाज तो दिखा दे. मैंने पापा को भेजो. मेरी सिस्टर ने एकदम से फ्लाइट बुक करी, देहरादून से दिल्ली, दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से पापा कृष्णापट्टनम पहुंचे. फिर सिर्फ 5 घंटे या 4 से 5 घंटे के लिए हमें पोर्ट परमिशन मिली कि माय फादर कैन एंटर द पोर्ट एंड विजिट द शिप. 4-5 घंटे के लिए पापा जहाज पे आए. पहले तो मेरे कैबिन में गए, बैठे, अच्छा लगा उन्हें. फिर वहाँ से उन्हें ब्रिज पे लेके गया, वहाँ पर कैप्टन साहब से मुलाकात हुई, मेट कैप्टन. देन वहाँ से बाकी लोगों से मिले, उन्हें ब्रिज बहुत अच्छा लगा देख के, बड़ा बढ़िया लग रहा था उन्हें, मशीन वगैरह देख के, एसी ठंडा सब बढ़िया. फिर मैंने बोला चलो पापा नीचे इंजन रूम में चलते हैं. लिफ्ट थी, लिफ्ट से वो इंजन रूम में आए. इंजन रूम में जैसे ही आए तो पहले वो इंजन कंट्रोल रूम में गए. तो इंजन कंट्रोल रूम में गए, वहाँ पर मोहाली के एक 32 साहब थे, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, हु वाज आल्सो पंजाबी, अ ओल्ड सिख इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, जो कि मेरे पापा की एज के थे. तो जाके उनसे पूछा, और जी पंजाबी, और जी की हाल चाल, तुम्हारे की हाल चाल, सब कुछ करते करते पापा उनका टेबल पर बैठे. तो मैंने बोला भाई यार चाय बना लेते हैं, पापा पियेंगे चाय. तो द फर्स्ट थिंग जो मेरे पापा ने उनसे पूछी, जी मैं तुम्हारे को एक चीज़ पूछूंगा, मतलब आपसे एक चीज़ पूछूंगा, बिल्कुल सच सच दसना, मतलब बिल्कुल सच सच बताइएगा. ऐ जेड़े तुम्हारे सेकंड साहब ने, जो आपके सेकंड साहब हैं, इन्हों कुछ आंदा भी है कि नहीं आंदा, कि इनको कुछ आता भी है कि नहीं आता. मेरे इलेक्ट्रिकल मतलब 32 साहब से पूछा ना, जो कि सीनियर 32 साहब थे, रिस्पेक्ट है, कि भाई इसको कुछ आता भी है कि नहीं आता अपने बेटे के लिए पूछ रहे. तो उन्होंने तारीफ करी. तो जैसे ही तारीफ करना शुरू करी, पापा ने चुप करा दिया, भाई ये सब काम की चीज़ नहीं है, अगर कुछ गलतियाँ हैं तो वो बताइए. फिर एनीवेज खैर 32 साहब ने तारीफ करी. अब आई डू नॉट नो कि अच्छे वे में मतलब जेन्युइनली करी या जस्ट कि पापा के आगे पापा का दिल ना टूटे उसके लिए करी, मैं नहीं जानता. उसके बाद पापा को मैं इंजन रूम घुमाने के लेके गया. उस टाइम इंजन रूम का टेम्परेचर 52 डिग्री सेंटीग्रेड था, और पापा को 2 मिनट के राउंड में प्लेट फ्लोर का पापा पूरे पसीने पसीने हो गए. तो पापा कह रहे बड़ी गर्मी है यार, बड़ी गर्मी है, इट्स वेरी हॉट आउट एयर, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर लेके चल. मतलब पापा जी पूरा आप इतनी दूर से है, पूरा इंजन रूम तो देख लो नीचे से लेकर ऊपर तक, कि आपका बेटा कहाँ काम करता है. कहते नहीं नहीं बहुत गर्मी है यहाँ पे, यहाँ नहीं रहूँगा मैं, ब्रिज पे जाऊँगा. तो मेरे पापा ने इंजन रूम का पूरा टूर ले लिया, जो कि मुझे आज भी खलता है. बट मेरे पापा को एटलीस्ट मुझे लगता है ये एहसास हो गया कि हम कितनी गर्मी में काम करते हैं. जो हम पैसा कमाते हैं वो बहुत मेहनत का पैसा, इट इज़ नॉट ईजी. द मनी दैट वी अर्न आउट देयर, जो कि लोगों को लगता है लाखों में कमा रहे हैं, बहुत मेहनत का पैसा है वो, जो हम पसीना बहाते हैं. इट्स नॉट ईजी आउट देयर. और 16-16 घंटे काम करना, 18-18 घंटे काम करना आसान नहीं है. खैर एनीवेज दिस वीडियो इज नॉट अबाउट दैट. वीडियो ये है कि पापा जब तक ऊपर पहुंचे, पापा ने अचानक एक दरख्वास्त करी. भाई दरख्वास्त क्या करी, सीधा ऑर्डर दिया, प्रनीत आई वॉन्ट टू मीट योर चीफ इंजीनियर. अब मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे पापा मेरे चीफ इंजीनियर से मिले. वाई, बिकॉज एक दिन पहले मेरे अपने चीफ इंजीनियर से डिस्कशन हो गया था, हीटेड डिस्कशन हो गया था. हम एक मेन इंजन का डीकार्ब कर रहे थे, एंड आई एम अ वेरी नॉलेज वाला, मतलब आई एम अ वेरी गाय हु रीड्स मैनुअल्स एंड गो एज पर द बुक, जो बुक कहती है. एंड माई चीफ है यूक्रेन चीफ है, वॉज वेरी सीनियर, ही हैड एक्सपीरियंस. तो मेरा टसल था कि आप जो कह रहे हो वो सही है, किताब सही है. मैं कहता था किताब सही कहता है, मेरा एक्सपीरियंस सही है. तो वहाँ पर काफ़ी डिस्कशन हो गया था हमारा. खैर एनी वेज, कीपिंग दैट असाइड, मैंने बोला पापा जी पता नहीं चीफ है लाइक टू मीट यू और नॉट. कहते नहीं नहीं आई वॉन्ट टू मीट हिम. तो फिर मैंने कॉल किया, मैंने बोला चीफ माई फादर वॉन्ट्स टू मीट यू. तो मैंने ओके कम कॉल हिम अप. तो जैसे मैं ऊपर पहुँचा तो चीफ ने बियर की 2-3 कैंस लगा दिए, और साथ में चकना वगैरह यूसी मूँगफली वगैरह सब रख दी, और ओ कम कम कम. उन्होंने पापा को भी बैठाया, मैं भी बैठा सोफे पे, एंड ही वाज सिटिंग ओवर हेयर ऑन द अदर सोफा. सो पहले उन्होंने पापा को ऑफर किया, प्लीज़ मिस्टर मेहता वुड यू लाइक टू हैव बियर. मैं बोला आई डोंट ड्रिंक. ओके 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 ओके. फिर कोल्ड ड्रिंक ऑफर करी, हम बैठ गए. फिर मेरे पापा ने पूछा, चीफ हाउ इज माई सन हु सेकेंड इंजन ऑन शिप परफॉर्मिंग. तो चीफ यू स्टार्टेड, अरे योर सन वेरी गुड, इज परफॉर्मिंग वेरी गुड, इज वेरी गुड. तो जैसे वो 2 बार गुड बोले, माई फादर स्टॉप्ड हिम. चीफ आई नो माई सन, आई नो इज गुड पॉइंट्स, डोंट टेल मी इज गुड पॉइंट्स, टेल मी इज बैड पॉइंट्स, टेल मी पॉइंट्स वेरी कैन इम्प्रूव, वेरी कैन बिकम बेटर. जा तेरी, जय माता दी. चीफ इंजीनियर एक दिन पहले के भरे बैठे थे, वी हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशन.
एंड देन ही स्टार्टेड स्पीकिंग, यू से वेरी राइट मिस्टर मेहता, यंग बॉय ही डिस्कस विद मी दैट आई टॉक अबाउट प्रैक्टिकल, ही टॉक अबाउट बुक्स, ही डिस्कस विद मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, नो गुड. Then he likes to do most of the things himself. He does not delegate to people. All the time working up, down, everywhere. Not trusting his people. Working very hard but not delegating to his team. Not managing his team in a proper way. Doing all the work himself. And I do not know. For the next 5 minutes was just continuously speaking. Mujhe kyon nahi bol pa raha hu? Because I do not remember what he said. Because now I was thinking, what will my father say? And for the next 5 minutes, my father was listening to him. Aur jaise hi 5 minutes bite, my father looked at me. Look, see, this is my father shouting at me. Look, these are the bad points in you and you have to improve themselves. Your chief is telling very right about you. Do that. मैं ऐसे करके देखा, head down, जी पापा जी, I will do that. अब now chief है, realize किया रहे तो खराब हो गया, he is my second engineer and he is being scolded by his father in front of me. So then when we started moving out, chief here called me. Second, your father man of steel, very strict man, man of steel. मैंने बोला yes chief, he's man of steel. I just laughed it off because he's my father. Didn't feel bad for a thing, and I just came out. Well, this is my father, जिन्होंने झाट पे जाके मेरी क्लास लगाई और लगवाई. और कभी कभार लगता है कि अगर मेरे पापा कभी मेरे सामने मेरी तारीफ करते हुए अच्छा लगेगा, बट नहीं करते तो मुझे कई बार ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मे भी मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ शायद जब वो मुझे दिल से सबके सामने बोलेंगे शाबाश, यू हैव डन अ गुड जॉब. अभी तो आई एम वेटिंग. जय माता दी, टेक केयर, बाय.